नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के ब्लॉग की। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत हो रही धुलाई से। मैं धुलाई कर रही थी तो साथ में दोनों बच्चे आ गए, तो इनके साथ भी लग गई थोड़ा खेलने में। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के साथ खेलने का मन करता है। तो और ये सोना बैठी थी तो मैंने इसे ले लिया। मैंने कहा चलो इसे भी प्यार कर लूँ, अब थोड़ा इसके साथ खेल करने में लगी हूँ। ये बहुत कमज़ोर होते जा रही है, खाना खाती है और पता नहीं कहाँ जा रहा है, इसके बदन में ही नहीं लग रहा है। और दोस्तों देख रहे हो आंगन कितना गंदा हो रहा, हमारा पूरा आंगन ख़राब हो गया, जगह जगह से टूट गया है क्योंकि बारिश भी इतनी हो रही है। और दूसरा, पूरे आंगन में काई लग रही है, फिसलन हो गई। बरसात क्या आती है, बड़ी दुखी हो जाती हूँ, जहाँ देखो उधर ही फिसलन हो गई है क्योंकि सुबह शाम बारिश हो रही झिमझिम वाली, तो ऐसे में काई बहुत जल्दी लग जाती है। तेज़ की बारिश होती तो इतनी काई नहीं लगती। अब मैं इसे रोज़ धो देती हूँ, थोड़ा वैसे भी धोना ही होता है दोस्तों कुत्तों की वजह से, फिर बाकी मैं ड्रेस काई लगी तो इसकी वजह से मैं झाड़ दे रही हूँ, धुलाई कर दे रही हूँ रगड़ रगड़ के, क्योंकि ऐसा है अगर नहीं धोऊंगी तो फिसलन हो जाएगी और खुद गिर जाऊंगी और काई पे काई जमती रहेगी। ब्लीचिंग पाउडर भी अगर मैं डालती हूँ तो दोस्तों मुझे उसकी महक भी बहुत लगती है, और कहाँ कहाँ डालूँ। और फिर मेरे तो ये डॉगी हैं, ये खा देंगे तो कुछ हो गया, तो इसलिए मैं इसमें ब्लीचिंग पाउडर भी नहीं डाल सकती। नहीं तो क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर डाल दो काई पे तो साफ़ हो जाती है, तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, पर मैं अपने डॉगी के चक्कर में वो डाल नहीं सकती हूँ। तो दोस्तों झाड़ू पोछा किया, नहाया धोया, तो फिर मैं भाई चाय लेके आ गई, बैठ के चाय पी रही हूँ। चाय पी के निपटी तो याद आया भाई बच्चों के लिए खाना बनाना है। तो दोस्तों अंकित बोल रहा था बच्चों के लिए भात उबाल देना और इसमें अंडे डाल दूंगा, या फिर मतलब मैं वो ले आऊँगा चिकन विकन तो वो डाल दूंगा, तो वो खिला देंगे बच्चों के लिए, तो भात पका देना। तो मैंने कहा चलो ये भी सही है, कौन रोटी पतीले, एक तो इतनी गर्मी हो रही है दोस्तों, जाड़ों में तो सही है, गर्मियों में इतना करा भी नहीं जाता किचन में काम। तो मैंने एक चूल्हे में तो कुत्तों के लिए चढ़ा दिया भात, एक मैं अपने लिए बना रही हूँ थोड़ा सा। आज मेरा मन भी कर रहा था चावल खाने का, तो अंकित तो खाता नहीं, तो मैंने अपने लिए भी बना लिए हैं। जब तक प्रिया थी तो हम दोनों माँ बेटी दाल चावल खा लेते थे, तो बीच बीच में अंकित ने भी खाए दो तीन दिन, फिर इसने कह दिया तू रोज़ दाल चावल ही बना रही, ये बना रही, तो मैंने उसके लिए बनाना छोड़ दिया। तो अब भाई अकेले हूँ तो अकेले ही खाना पड़ेगा दोस्तों, साथ किसको लेके आऊँ मैं अपने खाने के लिए, तो मैंने कहा बाधा डालनी पड़ेगी। मैं तो अब खा जो ले रही, पहले तो दोस्तों खाती नहीं थी मैं अकेले रह के, खाना ही नहीं खाया जाता था, अब तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत जितना भी है खा लेती हूँ। अब मेरे साथ मेरे बच्चे हैं ये तीन, बैल जी चिमकांडी ये लोग हैं, तो इनके साथ देख देख के मैं भी खा ही लेती हूँ। तो और इधर देख रहे हो बर्तन धुल लें, और दोस्तों पानी आता तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं सोचती हूँ बर्तन भर लूँ सारे और बोतलें भर लूँ ये धो लूँ। अब प्रिया मुझे इतना डांटती है, मुझसे कहती मम्मी तेरे को पानी की धो नहीं होती है, तू टैंकी रख ले पीने के पानी की, तू बर्तनों में भरती है, पूरा किचन में तेरे बर्तन रहते हैं। बाल्टी में भी पानी भरती थी बीच में, तो पानी 15-15 दिन में चेंज करना पड़ता था, तो फिर बार बार मेरे को आलस्य आ जाता था, इस वजह से मैंने वो बाल्टी भरना भी छोड़ दिया। फिलहाल तो पानी आ ही जाता, मैं थोड़े दो डेकों में भर लेती हूँ, एक जगह इसमें भर देती हूँ तो मेरे शाम को यूज में आ जाता है। और बर्तन तो दोस्तों मेरे लगते ही है, बहुत से लोग कहते हैं कि परिवार होता है तब काम बढ़ता है, दोस्तों मैं तो परिवार में भी रही हूँ, मैं तो जब शादी करके आई थी हमारा खूब बड़ा परिवार था, तब भी मेरा इतना ही काम था, और आज हम दो जने तब भी मेरा इतना ही काम है। सिर्फ क्या होता है कि परिवार में खाना बनना ज़्यादा हो जाता है, बाकी बर्तन तो देखते ही हो गए आप, दिन भर तो मैं बर्तन में रहती हूँ, मेरे बच्चे ही खुद इतने बर्तन लगाते हैं, मैं ही खुद बर्तन इतने लगाती हूँ, लोग कहते होंगे जने कितना बड़ा परिवार है, तो वही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता छोटे और बड़े परिवार से, क्योंकि मुझे परिवार में करने की आदत है काम, तो इसलिए मुझे ऐसा काम कुछ लगता नहीं है, तो उतना काम भी नहीं है दोस्तों। पहले तो परिवार में रहते थे तब होता भी था काम, अब तो हम दो ही जने हैं गिने चुने, फिर भी मेरे को ऐसा लगता कितना काम है, क्योंकि अब ये हो गया ना मैं बिजी ज़्यादा हो गई, बाहर का काम ज़्यादा हो जाता है तो इसी वजह से रह जाती हूँ। और दोस्तों जब कभी दुख तकलीफ होता है उस समय मन करता है कि कोई कर देता तो हेल्प अच्छा रहता, उस समय की होती है कि बच्चे कर दे तो सही है, और यह कभी कहीं जाना होता तब नहीं, तो वरना काम तो क्या है अपने हाथ से कर ही लो, यह है कि टाइम बे टाइम हो जाएगा थोड़ा ऐसा रहेगा, बाकी और कुछ नहीं है। और मैं तो कहती जब तक शरीर चल रहा है तो अपने हाथ पांव हिलाने चाहिए, हाथ पांव में जंग नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम अपने हाथ पांव छोड़ देंगे बैठ के खाने की आदत जाएगी तो बुढ़ापे में हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें काम करने से हम अपना ही अंदर बाहर नहीं जा पाएंगे तो क्या करेंगे। अगर हमारे हाथ में खाना पका हुआ भी मिल जाएगा, जब हम अपने हाथ पांव नहीं हिला पाएंगे तो खाएंगे कैसे, इसलिए मैं सोचती जब तक हाथ पांव चल रहे हैं अपना काम स्वयं करना चाहिए, भरोसे में नहीं बैठना चाहिए। अब बच्चों का क्या, उन्होंने बाहर जाना ही है, कल को बेटा शादी करेगा वो भी बाहर जाएगा, बच्चे बाहर जाएंगे तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे, इसलिए हम जब तक अपने हाथ पाँव चल रहे स्वयं करते रहो, बाकी भगवान भरोसे छोड़ दो, जो किस्मत में होगा वो होके रहेगा।
तो। और दोस्तों काम करने से अपना शरीर भी अच्छा रहता है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम कर लिया, आराम करने के बाद अभी उठी, शाम के 4 बज रहे हैं तो मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने दिन में आलू और रायता बनाया था तो मैं आलू और रायता खाने लग गई। बर्तन है अभी सिंक में, मैं इनका पहले खा लेती उसके बाद बर्तन धोंगी। आजकल क्या है दोस्तों, चाय भी कम पी रही, क्योंकि कोई साथ में आ नहीं रहा तो चाय भी मेरी कम बन रही है, अकेले पीने का मन करता नहीं है। और अंकित भी कमी पी रहा है आजकल चाय। वो क्या है, जब से राधा का ऑपरेशन हो रहा है तो सब लोग कमी आ रहे हैं, क्योंकि हमको जो टाइम मिलता है तो हम कभी राधा के यहाँ चले जाते हैं, कभी अपना काम हो जाता है। और दोस्तों वीडियो भी हमारी बन नहीं रही है आजकल, बीच में तो वीडियो बनती थी तब भी मेरे घर में आप देखते होंगे भीड़ रहती थी, आजकल कुछ हो नहीं रहा, तो इस वजह से सब चीज़ कम हो गया है। और अभी मैंने दोस्तों आलू खाए, उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई, बर्तन थे बर्तन धो रही, दिन में धोए नहीं थे तो अभी ये बर्तन भी धो रही, साथ साथ दूध भी गर्म कर रही हूँ। अभी ये दूध की बाल्टी अंकित को चाहिएगी, फिर वो कहता मम्मी तू बाल्टी भी खाली करके नहीं रखती। मैंने कहा चलो ये काम भी कर लूँ मैं, बर्तन धोते धोते मेरा ये काम भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने जाना आज रोखड़िया बाबा, साथ वाले कह रहे थे मंगलवार का दिन है चलो हनुमान जी के दर्शन करके आते हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, गर्म हो रहा था तो हम तीनों आ रहे हैं हनुमान मंदिर जा रहे हैं, आज की गर्मी हो रही है। चलो दुकान की वजह से हम आए थे, दुकान की वजह से सामान लेना, हमें सामान लेना था पर हम भूल गए तीनों के तीन, अब याद आ रही जब दुकान निकल गई। गंभीर बातें चल रही, हाँ पर्सनल बातें चल रही थी बहुत ज्यादा। गाड़ी आ रही, अपनी साइड करो भाई, कोई बात हो गई तो भाई कल के दिन को हमारे पर ही आएंगे। हाँ रॉन्ग साइड से, इसलिए भाई अपनी साइड पकड़ लेते हैं। और बारिश शाम के टाइम पे बारिश इतनी गर्मी कर दी, अंदर मन ही नहीं लग रहा है, बहुत गर्म हो गया, ऐसा लग रहा है बारिश अभी और आती है। इसके दर्शन कर लेते हैं हम रोखड़िया बाबा के अपने। हाँ अरे मंगल है ना आज, अज्जू और अज्जू की औरत भी आ रहे हैं घूम के, सुंदर कान पड़ रहा है। जय हो, अच्छा तो भाई हमने मंदिर में हाथ धोके प्रसाद ले लिया, अब हम घर को जा रहे हैं। मंदिर जा रहे हो? अच्छा हाँ कोहरा सब वही हॉल आ गया, हाँ और अच्छा लग रहा है, बारिश चल रही झिमझिम वाली। हम आ गए अंदर, गर्म हो रहा था, बहुत ही गर्मी हो गई थी आज, क्योंकि शाम के टाइम पे बारिश हो गई तो भपका हो गया था। तो अभी घूम के आ गए हनुमान मंदिर तक, अब जरा कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, मुँह हाथ धोती दिया बत्ती करती हूँ, दरवाज़ा भी नहीं खुला इतना टाइट हो गया है। बच्चों तुम क्या कर रहे हो अंदर? हमारे यहाँ के जो हनुमान जी हैं पेड़ में कुदरती बने हुए हैं, तो इनके मान्यता बहुत है दोस्तों, दूर दूर से लोग आते हैं, उनको पर्चे भी लगते हैं, तो लोग सुंदर कांड करते हैं यहाँ हर मंगलवार शनिवार के दिन। तो मैं भी गई हूँ, देखो मेरे भी सुन ले, वैसे हम तो जाते ही रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ, कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।